वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक की कहानी में दोस्तों हमने देखा है कि कैसे ये जो चोर है ये अनिल को मिलता है, उनके घर पे खाना बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे चोर को खाना बनाना नहीं आता, पर अनिल उसको सारी चीजें सिखाता है, पढ़ना लिखना भी सिखाता है, उसको बाजार में शॉपिंग के लिए भी भेजता है। और उससे दोस्तों हमेशा ये जो चोर है ये 1 रुपीज अपने पास रख लिया करता था। फिर जो मेन चोरी थी वो दोस्तों उस चीज की थी जब इस चोर ने अनिल के मैट्रेस के नीचे से एक पैसे का बंडल चुरा लिया था। उसने अराउंड 600 रुपीज चुरा लिए थे और अब वो घर से भाग चुका है, रेलवे स्टेशन की तरह जा रहा है कि वो 10:30 बजे वाली जो वहां पे लखनऊ की ट्रेन है उसको कैच करके शहर से भाग जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो चोर है वो भागता है या नहीं, अगर नहीं तो वो क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. देखिए, जैसे ये जो चोर है ये उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, टिकट काउंटर पर नहीं जाता। टिकट काउंटर पर वो कभी भी नहीं गया, उसने कभी भी लाइफ में टिकट नहीं खरीदी है, बल्कि वो सीधा ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। वहां पे दोस्तों जो वो ट्रेन थी 10:30 बजे की जो कि उसको कैच करनी थी, वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन से बिल्कुल निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। यहाँ पे जो चोर है उसके पास ये चांस था कि वो भागकर ट्रेन को पकड़ सकता था। ट्रेन ने अभी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ी थी, पर फिर भी दोस्तों क्या हुआ, बट आई हेजिटेटेड। यहाँ पे चोर थोड़ा सा हेजिटेटेड उसने फील किया, मतलब कि वो उस ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। फॉर सम रीजन आई कैनॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। यहाँ पे जो चोर है किसी रीजन की वजह से वो उस ट्रेन को कैच नहीं कर पाया और दोस्तों ये चांस वो खो चुका था, मतलब कि अब वो शहर से नहीं भाग सकता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. यहाँ पे जब वो ट्रेन चली गई थी, ये जो चोर है ये अकेला उस खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। यहाँ पे इसको नहीं पता था चोर को कि रात कहाँ पर बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। यहाँ पे जो चोर है उसके बिल्कुल भी दोस्त नहीं है दोस्तों उस शहर में, क्योंकि उसको लगता है कि जो दोस्त हैं वो परेशानी ही करते हैं, मदद बिल्कुल भी नहीं करते। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। यहाँ पे जो चोर है वो किसी भी आसपास के होटल में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उससे पुलिस को पता लग जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। पूरे शहर में एक ही पर्सन था जिसको चोर अच्छे से जानता था और वो था अनिल, जिसके घर से उसने चोरी करी है। लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। यहाँ पे जो वो चोर है वो स्टेशन छोड़ देता है और फिर बाजार के थ्रू कहीं पर जाने लगा है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो चोर है उस चोर का एक छोटा सा ही करियर रहा है, बड़े टाइम से वो चोरी कर रहा है। तो दोस्तों पूरे करियर में पूरे उसके जितने भी चोरी करने के उसके पूरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसने एक चीज़ को नोटिस किया है, उसको बहुत ही अच्छे से पता है कि जब किसी पर्सन के पास से कुछ चीज़ चोरी हो जाती है तब उसका फेस का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज़ चोर को बहुत ही अच्छे से पता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड The poor showed acceptance. वो बता रहा है कि दोस्तों जो बहुत ही लालची पर्सन होता है, जो ग्रीडी होता है, जिसको बड़ी सारी चीजें चाहिए, वो डर जाता है जैसे ही उसके पास से कोई चीज चोरी होती है। जो अमीर होता है उसका बहुत गुस्सा आता है, जो गरीब होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि चोरी हो गया तो हो गया। तो ऐसे दोस्तों अलग अलग फेसेस के एक्सप्रेशन इस चोर को बहुत ही अच्छे से पता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो चोर है उसको ये रियलाइज हो रहा है कि जो अनिल का फेशियल एक्सप्रेशन होगा वो दोस्तों कोई सैडनेस का नहीं होगा, बहुत ही थोड़ा सा उसको दुख होगा। दुख उसको चोरी के बारे में नहीं बल्कि भरोसा टूटने के बारे में ज्यादा होगा। तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ट्रस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ट्रस्ट ही है जो कि अनिल सबसे ज्यादा इस चोर पर करता है। तो ये चोर क्या करेगा, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। यहाँ पे ये चोर क्या करता है, एक खुले दोस्तों कोई एक गार्डन सा होता है, वहां पे एक बेंच के ऊपर ये बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। क्या हुआ दोस्तों, वहां पे थोड़ी सी बारिश आने लगी, ठंड है वहां पे, तो इसीलिए यहाँ पे चोर उस गार्डन में भी दोस्तों नहीं रह सकता है। वो क्या डिसाइड करता है, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली। दोस्तों बारिश थोड़ी तेज हो गई, माई शर्ट एंड माई पजामाज स्टक इन टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। वहां पे क्या हुआ दोस्तों, जो शर्ट है जो पजामा है वो बिल्कुल जो स्किन है उससे चिपक गए। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो गीले हो गए बारिश के पानी से और इतनी तेज अब ठंडी हवा चल रही थी कि फेस पे भी बहुत ज्यादा ठंडी यहाँ पे चोर को लग रही है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, ये चोर क्या करेगा, देखिए।
I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. यहाँ पे जो चोर है वो बाजार में वापस जाता है, कोई वहाँ पे क्लॉक का एक बड़ा सा टावर बना हुआ है, वहाँ पर वो बैठ जाता है. The clock showed midnight. दोस्तों 12 बज चुके हैं रात के. I felt for the notes. They were damp from the rain. यहाँ पे जो चोर है वो अपने नोट्स को चेक करता है, वो भी दोस्तों काफी गीले हो चुके थे. Anil's money. ये जो पैसा था वो अनिल का पैसा था जो कि चोरी किया गया है. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल. आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन की बात की गई है कि जो चोर है वो रियलाइज कर रहा है कि अगर वो चोरी ना करता तो अगले दिन सुबह जो अनिल है वो उसको 2 या 3 रुपए देता सिनेमा में मूवी देखने के लिए. पर अब तो चोर के पास यहाँ पे सारे पैसे हैं. पर यहाँ पे जो चोर है दोस्तों, अब वो बाजार नहीं जा सकता है. वो 1 rupees जो चोरी करता था रोज वो नहीं कर सकता है. जो पूरे लंबे इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस हैं जो कि अनिल उसको करना सिखा रहा था, अब वो सारी चीजें ऐसी नहीं कर सकता है. I had forgotten about them in the excitement of the theft. यहाँ पे जितने भी फायदे थे अनिल के पास रहने में, वो सारे फायदे ये चोर भूल चुका था चोरी के बारे में जब उसने सोचना शुरू किया. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, but sometimes just as simple to be caught. But to be really a big man, a clever and a respected man was something else. I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे भी रियलाइजेशन की काफी बात की गई है कि यहाँ पे बेसिकली वो जो चोर है उसको रियलाइज हो चुका है कि वहां पे अब जो अनिल है वो उसको ये सारी चीजें नहीं सिखा सकता है. यहाँ पे जो चोर है वो समझ चुका है कि अगर लाइफ में उसको एक बड़ा आदमी बनना है, चालाक बनना है, रिस्पेक्टेड बनना है, तो उसके लिए उसको वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलना, अपना नाम लिखना, कैलकुलेशंस करना, ये सब आना चाहिए. वो रियलाइज करता है कि उसको अनिल के पास वापस जाना चाहिए और वापस ये रीडिंग और राइटिंग की चीजें उसको सीखनी चाहिए. ये उस 100 rupees से कुछ ज्यादा बेटर चीज होगी. अगर वो ये सारी चीजें सीखेगा तो लाइफ में ये जो 600 rupees है उससे कहीं ज्यादा कमा पाएगा. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब यहाँ पे जो चोर है वो वापस अनिल के घर चला जाता है और अब उसको ज्यादा डर लग रहा है. डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि दोस्तों कुछ चीज चोरी करने के बाद जब उसको वापस आपको रखना है और आप चाहते हो कि ओनर को पता भी ना चले, तो ये चीज और भी ज्यादा उसके लिए मुश्किल होने वाली है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. यहाँ पे चोर दरवाजा खोलता है, वहीं पे दरवाजे के पास वो खड़ा है और मून की लाइट को भी वो देख रहा है. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सो रहा था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड इट अंडर विद नोट्स. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे वो जो चोर है उसने क्या किया, वो उस रूम के अंदर गया, अनिल जहाँ पर सो रहा है उसके दोस्तों हेड के पास, वहां पे नोट्स को डालने की उसने कोशिश करी. अनिल की जो ब्रेथ है वो उसके हैंड पर फील कर रहा है, वो उस चीज को इतना पास ये अनिल के आ चुका है और उसने बहुत ही आराम से वो पैसों को मैट्रेस के अंदर रख दिया और अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी. I awoke late next morning to find that Anil had already made the deal. यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अगले दिन ये जो चोर है ये थोड़ा लेट उठा और उठने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि अनिल अपने लिए चाय उस दिन बना चुका है. नहीं तो वैसे चाय बनाने का काम ये चोर करता था, पर उस दिन अनिल ने वो काम खुद कर लिया है. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday. He explained. Now you will be paid regularly. क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे ही उस दिन वो चोर उठा, उसने देखा कि जो अनिल है वो उसके पास आया और उसको 50 rupees दिए. यहाँ पे चोर को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, पर यहाँ पे अनिल ने क्या बोला, अनिल कहता कि मुझे कल ही कुछ पैसे मिले हैं और अब से रेगुलरली इस चोर को अपनी सैलरी दी जाएगी, इसको पे किया जाएगा, वो भी 50 rupees. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं अनिल को शायद से पता लग चुका है और उसको समझ आ चुका है कि चोर ने अपनी जो भी उसने गलत काम किया उसको एक्सेप्ट कर लिया है, रियलाइज कर लिया है, और इसीलिए अब यहाँ पे अगर वो उसको पे करेगा तो शायद से चोर की जो नेचर है वो बदल जाए. हो सकता है दोस्तों ऐसा हो. आगे देखिए, माय स्पिरिट रोज. यहाँ पे दोस्तों जो चोर है उसको काफी अच्छा लगता है. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. यहाँ पे जैसे ही वो पैसे को पकड़ता है, वो 50 rupees को पकड़ता है, वो नोट दोस्तों गीला होता है. मतलब कि वो पैसे वही हैं जो कि मैट्रेस के नीचे थे. क्योंकि वो गीले क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चोर है वो रात को बाहर गया था, बारिश में पैसे गीले हो गए थे, तो ये वही पैसे हैं जो कि मैट्रेस के नीचे हैं. तो मतलब कि दोस्तों अनिल को पता लग चुका था कि यहाँ पे ये जो चोर है वो खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तभी वो चोरी करने के बाद वापस आया और उसने पैसे वापस रख दिए, और इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको सपोर्ट करना जरूरी है और रेगुलरली पे करने
कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल कहता है कि आज से हम लंबे सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे। तो यानी कि जो अनिल है वो अभी भी छोड़ की हेल्प ही कर रहा है। ही न्यू, यहाँ पे जो अनिल है उसको पता था सब कुछ, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। पर यहाँ पे अनिल कुछ भी शो नहीं करता है आईज से या फिर किसी भी तरीके से, वो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करता है कि उसको पता है कि यहाँ पे चोर ने रात को चोरी करी थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माय मोस्ट अपीलिंग वे। दोबारा से ये जो चोर है ये अनिल की तरफ देखकर एक लंबी सी स्माइल करता है, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। पर इस बारी दोस्तों ये जो स्माइल थी ये एक हार्ट से आई हुई स्माइल थी। यहाँ पे दिमाग से चोरी करने के लिए, अनिल से दोस्ती करने के लिए स्माइल नहीं की गई थी, बल्कि सच में यहाँ पे जो चोर है वो खुश हो चुका था, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी हमारी कंप्लीट होती है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी थी दोस्तों, द थीव स्टोरी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों ये कहानी तो हमारी कंप्लीट होती है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी कहानी को रिवाइज करने के लिए रिविजन लेक्चर भी अवेलेबल है, आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। और साथ में दोस्तों जितने भी इस चैप्टर के एंड में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सब के रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ अवेलेबल है, उनको भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।